हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले में कोरोना की तीसरी लहर अभावी नजर होती आ रही है। बुधवार को अस्पताल में भर्ती एक 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने कोविड-19 अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए मृतका के शव को परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं नगर परिषद को सुरक्षा सावधानी के साथ शव का अंतिम संस्कार करवाने की हिदायत दी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बी.एल. मंसूरिया ने बताया कि 10 जनवरी को महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट में मंगलवार को पॉजिटिव पाई गई थी। बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बुधवार जिले में कोरोना के 319 नए मरीज मिले। बुधवार को प्राप्त हुई 1200 लोगों की सैंपलिंग ली गई। रिपोर्ट में कोरोना के 319 नए संक्रमित मिले हैं। इस जिले में एक्टिव रोगियों की संख्या अब बढ़ के 843 हो गई है। बुधवार को सिर्फ 2 संक्रमित ही नेगेटिव हुए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल विश्रोही ने बताया कि बुधवार को 1200 की सैंपलिंग ली गई है, 319 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बाड़मेर शहरी क्षेत्र में 120, बाड़मेर ग्रामीण में 13, बालोतरा शहर में 64, बालोतरा ग्रामीण में 54, बायतू में 35, सिंधनी में 7, सिवाना में 14 और धोरी मन्ना चौहटन शिव में 4-4 कोरोना के रोगी मिले हैं। सीएमएचओ डॉक्टर विश्रोही ने बढ़ते मरीजों के बीच आम जन से वैक्सीनेशन करवाने एवं सावधानी बरतने की अपील की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला अस्पताल में कोरोना के 4 और एचआरसीटी के 2 मरीज भर्ती हैं, जबकि सीएमएचओ डॉक्टर बाबूलाल विश्रोही अपनी रिपोर्ट में सिर्फ एक ही एचआरसीटी पॉजिटिव भर्ती होना बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने की ओर इशारा करता है। अस्पताल में भर्ती कोरोना के 5 मरीज में बुधवार को 60 वर्षीय निर्मला देवी पत्नी जीवनलाल निवासी महावीर नगर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में अस्पताल में भर्ती निर्मला देवी मंगलवार को आरटीपीसीआर में कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और उसकी मौत हो गई। कोरोना की तीसरी लहर में जिले में यह पहली मौत है। जनवरी माह के इन 12 दिनों में जिले में कोरोना के 846 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से अब तक 3 संक्रमित ही नेगेटिव हुए हैं। बाड़मेर में कोरोना रोगियों की पॉजिटिविटी रेट 26.58% है और रिकवर रेट मात्र 3.17% है। बढ़ती रोगियों के बीच इस बार अत्यधिक संक्रमण प्रभावित इलाकों को कंटेनमेंट जोन भी घोषित नहीं कर रहा है। ऐसे में बाड़मेर में कोरोना रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाड़मेर के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बी.एल. मंसूरिया, इन्होंने ये कहा, कोरोना संक्रमित महिला की मौत हुई है, कब भर्ती किया गया था, क्या सिम्टम थे और क्या प्रॉब्लम है? ये महिला 10 तारीख को भर्ती की गई थी और इसके सिम्टम निमोनिया के थे, बैक्टीरियल निमोनिया टाइप का आ रहा था। सीटी में भी वही फाइंडिंग आ रही थी और एक्सरे भी फाइंडिंग बैक्टीरियल आ रही थी और इंडोर का जो हमारा आरटीपीसीआर जांच कराने का जो है, तो वो जब जांच कराई तो ये कल शाम को पॉजिटिव आई और फिर उसको कोविड आईसीयू में जो है शिफ्ट कर दिया था। आज उसकी मौत हो गई। सर, आपने अस्पताल में कितने एचआरसीटी और कोरोना कितने भर्ती है अभी हाल तक? हॉस्पिटल में आज 5 तो कोरोना पॉजिटिव भर्ती है और 2 एचआरसीटी वाले भर्ती है, 7 मरीज भर्ती है टोटल। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।